गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व पैस 2020 रिवीजन टेस्ट ऑन 1 नवंबर। दिस स्टार्ट्स विद मैथमेटिक्स। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। केड़ी संख्या अप्रमेय संख्या है? वर्गमूल 16 पहली ऑप्शन है, वर्गमूल 16 चार आ जाएगी, वो रैशनल है। 12/3 कर देंगे भाग, 4 आ जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा, वो भी प्रमेय संख्या मतलब रैशनल नंबर है। 100 भी एक रैशनल नंबर है, यदा जोड़ा स्केयर रूट है वह 10 आ जाएगा। तो इतने जी रैशनल नंबर है वह कि है बेटा 12, ये सही ऑप्शन आएगा। सैकेंड क्वेश्चन, इफ ए बी सी इज अ राइट एंगल आइसोसेलस ट्रायंगल दैन वट इज द ग्रेटेस्ट एंगल। जेकर ए बी सी एक समकोणी सम दो भुजी त्रिभुज है तो इसका सब तो बड़ा कोण पता करो, तो केड़ा होगा सब तो बड़ा कोण? इतने बनाइए, देखो बेटा मान नहीं रहा, आ दोनों बजाव अपन बराबर दिती हैं, तो बड़ा एंगल केड़ा होगा? 90 डिग्री का सब तो बड़ा एंगल होएगा। थर्ड क्वेश्चन, द टू इक्वल साइड ऑफ आइसोसेलस ट्रायंगल आर 12 सेंटीमीटर एंड द पैरीमीटर इज 30 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज। जेकर सम दो भुजी त्रिभुज दी बराबर भुजावां विचों हरेक की लंबाई 12 सेंटीमीटर होवे अते परिमाप 30 सेंटीमीटर होवे तां त्रिभुज का खेत्रफल पता करो। दो भुजावां 12 12 ने दित्तियां, तीजी भुजा 6 सेंटीमीटर की हो जाएगी क्योंकि परिमाप अपन 30 सेंटीमीटर दिता है। हीरो का सूत्र लावांगे बेटा आपां, अर्ध प्रमाप 15 हो जाएगा, एस एस माइनस ए मैं सीधा ही लिखूँगा, 15 चो 12 घटाते 3, फिर 15 चो 12 घटावे 3, 15 चो 6 घटावे अपने को कि आ जाएगा 9 लास्ट ली। तो वर्गमूल के 15 × 9 × 9 9 तो 9 का वर्गमूल 81 मतलब 9 12 आ जाएगा। वर्गमूल के रह जाएगा 15 9 वर्गमूल 15 सेंटीमीटर स्केयर, ये सही ऑप्शन आएगी पहली। अगला, दिए गए चित्र में एक्स का मुल लभो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द गिवन फिगर। सौखा ही है बेटा, आह दोनों कोण तो ये कोण की ने एक दूजे के एकांतर कोण ने, बाहरी एकांतर कोण एक्सटीरियर, ठीक है बेटा एकांतर कोण ने। तो आप कर लाँगे एक्स प्लस 50 का मुल है जोड़ा वह 121 होना चाहिए, एक्स प्लस 50 शुड बी इक्वल टू 121, तो एक्स कितना हो जाएगा अपने को 71 डिग्री, 71 डिग्री एक्स का मुल है जोड़ा इतने आएगा। अगला, इन द ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, ए बी इज इक्वल टू ए सी, कौन सी इज इक्वल टू कौन पी, कौन बी इज इक्वल टू कौन क्यू, द टू ट्रायंगल्स आर। त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर विच ए बी बराबर ए सी, कौन सी बराबर कौन पी, कौन बी बराबर कौन क्यू होवे, तो दिते गए त्रिभुज केड़े त्रिभुज ने आप दसना। अपन एक त्रिभुज दिता हुआ बेटा ए बी सी, ठीक है, अपन पी क्यू आर दिता, इतने ए इतने बी इतने सी, बी एंगल ऑफ क्यू के बराबर है तो इतने क्यू लिखो, सी एंगल ऑफ पी के बराबर है इतने बी लिखो, इतने आर लिखो, ये दोनों अपन बराबर दतियाँ ए बी तो ए सी, कौन बी कौन सी आ जड़ा वो कौन पी के बराबर है, कौन बी कौन क्यू के बराबर है, ठीक है बेटा। त्रिभुज ए बी सी दे विच ए बी बराबर ए सी है तो कौन बी बराबर कौन सी दे है, क्योंकि सम दो भुजी त्रिभुज के बराबर कौन होंगे ने जोड़े, उन्होंने सनमुख भुजावां भी की होंगे, जो सनमुख भुजावां बराबर है उन्होंने कौन बराबर हो गए, बी बराबर कौन सी ए मतलब कौन पी बराबर भी कौन क्यू हो जाएगा, ठीक है बेटा। जे कौन पी कौन क्यू के बराबर हो जाएगा वह मतलब आर क्यू बराबर आर पी हो जाएगा, मतलब दोनों त्रिभुजा की हो जाएगी आइसोसेलस हो जाएगी, सम दो भुजी त्रिभुजा हो जाएगी, पर यह सर्वंग सम नहीं हो सकदियां। ये सही ऑप्शन की आ जाएगा, आइसोसेलस बट नॉट कॉन्गुरेंट, सम दो भुजी पर सर्वंग सम नहीं। अगला, साइंस वाला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6,
सोडियम का परमाणु पुंज 23 U है, सोडियम के 46 ग्राम के मुलों की गिनती डैश है। अटोमिक मास ऑफ सोडियम 23 U मतलब AMU। द नंबर ऑफ मोल्स इन 46 ग्राम्स ऑफ सोडियम इज किन्ने होणगे बेटा, 2 होणगे। सिंपल क्वेश्चन है ये, 23 U दे विच, ठीक है, 23 U का परमाणु पुंज है तो 46 ग्राम 23 नाल भाग करांगे तो किन्ना होएगा, 2 होणगे। सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 7, हेठ दिते पौधे विचों किहड़ा 2 बीजपत्री है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज डाईकोट्स, किहड़े हुंदे आ बेटा डाईकोट, किहड़े हुंदे आ जिन्हां दा पत्ता वो चौड़ा हुंदा है ते जिन्हां दीआं जड़ां ने वो रेशेदार हुंदीआं गुंझलदार, जिन्हां दी जड़ां हुंदीआं वो मोनोकोट्स हुंदे ने, एक बीजपत्री हुंदे आ, ते जिन्हां दा पत्ता जिहड़ा वो सीधा हुंदा लंबा जिहा पत्ता हुंदा जिवें आ मक्की दा दिखाया गया उपर, ये किहड़े हुंदे ने मोनोकोट, पर जिन्हां दा पत्ता चौड़ा हुंदा ते जड़ां रेशेदार हुंदीआं वो डाईकोट हुंदे ने। तो इत्थे सही ऑप्शन की आएगी, मटर आएगी इहदे लई। पीस क्वेश्चन नंबर 8, वेग समा ग्राफ के हेठ लिखे क्षेत्रफल तो मापी गई राशि की दर्शाती है, वाट इज द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रीप्रजेंट, की दर्शाती है बेटा, डिसप्लेसमेंट जो स्पीड टाइम ग्राफ हों, फिर आप एक्सलेशन बोलना से, तो ये सही ऑप्शन है जी विस्थापन आएगी फस्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, हेठ लिखे विचों किहड़ा जोड़क टिशू हड्डी और मांसपेशी नूं जोड़दा है, विच कनैक्टिव टिशू अटैचस बोन टू मसल, किहड़ा है बेटा टेंडन टिशू है जिहड़ा वह हड्डी और मांसपेशी नूं आपस में जोड़दा है। हेठ लिखे विचों किहड़ा छूत का रोग नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट आ कम्यूनिकेबल जां इनफेक्शियस डिजीज़, तो जिहड़ा एक दूजे तो नहीं लगता, लहू का उच्च दबा, हाई ब्लड प्रैशर, COVID-19, जुकाम, कॉमन कोल्ड, हैजा, चलूरा, ठीक है, किहड़ा भी लहू का उच्च दबा, हाई ब्लड प्रैशर एक दूजे तो नहीं हो सकता, बाकी सारिया बीमारियां जिहड़ियां एक तो दूजे बंदे तक हो सकदियां हन। ये सी तुहाडा साइंस और मैथ वाला पार्ट, मैनूं उम्मीद आ तुहाडे क्वेश्चन आ जिहड़े सही होणगे। धन्नवाद।